क्या हुआ? हम भी मामा जी और सरब जी की तरह भाग जाएं? क्या? हाँ? तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? मुझे लगता है तुम्हें शायद सिचुएशन की समझ नहीं आ रही रोहन। मामा जी और सनम जी घर से भाग चुके और वो शादी के बगैर वापस नहीं आएंगे। तुम अपने मामा से ही कुछ सीख लो। हार के भी वो जीत गए। चीटिंग थी। ले गए वो अपनी दुल्हनिया। और मेरी बात ना, मुझे लग रहा है ना तुम्हारा कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भूल रहा है। तुम्हारी मामा ने क्या बोला था? क्या? सोचो। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ एक ही फिल्मी घर की लड़की आएगी। इसको जहन में रखते हुए तो मुझे भूल जाओ। मम्मा ने कहा भाको भूल जाओ, भूल गया। दुनिया भूल जाओ, भूल गया। अगर उन्होंने कहा तुम्हें भूल जाऊं तो मैं खुद को भूल जाऊं। और मेरे बाबा ने बोला है कि सब कुछ भूल जाओ और फिल्म बनाओ। हाँ तो मिलके बनाएंगे ना, और ऐसी फिल्म बनाएंगे कि दुनिया रोमियो जूलियट भूल जाएगी। हाँ, इन हालात के लिहाज से तो मुझे सिर्फ मौला जट बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, मैं मौला जट और दानिश नूरी ना। तुम्हारी मामा पहुंचने वाली है। उनकी टेंशन ना लो, मैंने उन्हें घर में बिजी किया हुआ है। ये क्या कर रही है? मम्मी? किसकी मम्मी? तुम्हारी मम्मी आ रही है। हाँ, क्यों? तो मुझे क्या पता? कैसी हैं भाभी आप? खैरियत होती तो मैं यहां ना होती। मुझे बताएं चुगताई कहाँ है? वो दानिया बता रही थी कि चुगताई और सनम उसके वालिदैन से मिले। एहसान, कौन सी वाली प्रेस कर दूं आपके लिए? आई गेस ये अच्छी लगेगी ना आप। ओह सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। कब आई आप? पूछने आई हूँ चुगताई कहाँ है। चुगताई सनम के साथ है, कोई बच्चे थोड़ी ना छोटे जो आप इतना परेशान हो रही हैं। चुगताई बहुत सीधा और मासूम है, ये वो लड़की दुनिया भर की। सनम के होते हुए आपको चुगताई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लो, यहां तो पूरे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब एक लड़की मेरे भाई को लेकर भाग गई और उस बच्चे अगवा करने वाली लड़की की सभी तरफदारी कर रहे हैं। और तुम तानिया, तुम तो कल तक उसका खून पीने को तैयार बैठी थी, अब क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो? चुगताई का आई गेस शनाख्ती कार्ड बन चुका है, वो अब एडल्ट है तो वो अपने फैसले खुद ले सकता है ना। और आप कब तक उसको उंगली पकड़ कर चलना सिखाएंगी? एहसान भाई आप क्यों खामोश? आपसे बेहतर सनम तो कौन जानता है? उसी औरत की वजह से आपका घर बर्बाद हुआ ना, और वही औरत मेरे भाई को ले उड़ी। देखिए भाभी। एक मिनट सवेरा, आप भी मैरिड हैं, अब जानती हैं शोहर और बीवी के बीच में अनबन होती रहती है। और वो अनबन उसी एक्ट्रेस की वजह से हुई ना। एक मिनट, सनम हमारी फैमिली मेंबर है और उसके खिलाफ इखलाक से गिरी हुई बात हमें सुनना हरगिज गवारा नहीं है। इखलाक से गिरी हुई कौन सी बात कह रही हूँ? सारी दुनिया यही कह रही है। और जहां चिंगारी होती है ना वहीं धुआं होता है। क्या ये सब सोशल मीडिया अखबार सब गलत है, सिर्फ आप सही? सवेरा, आपके दिल में जो भी गलत फहमी है ना एहसान और सनम को लेके, वो प्लीज भूल जाइए। ये सब हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बात करनी है वो तहम्मुल से करें और इस मसले को सॉल्व करते हैं। तुम भूल सकती हो सब कुछ तानिया, मैं नहीं भूल सकती। मामा, आपका भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब जिस घर में तुम पर बंदूक तानी गई उस घर में तो तुम्हें गार्ड्स के साथ आना चाहिए, और तुम यहां? घर चलो, तुम बताती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। सवेरा भाभी, आप बहुत गुस्से में हैं। मेरे ख्याल में मुझे रिजवान से बात करनी चाहिए और हमें आपस में फैसला करना चाहिए कि हम ये रिश्ता रखना चाहते हैं कि हम इसे तोड़ दें। मुनकर, फैसला यकीनन आपके हाथ में है। मैं जानता हूं कि दानिया भी वही करेगी जो आप कहेंगे। मुझे नहीं पता मामा ऐसी
बातें क्यों कर रही हैं, मगर यकीन कीजिए ना मेरी सोच ऐसी है ना मेरी फैमिली में किसी और की। इसलिए प्लीज कोई भी फैसला करने से पहले वक्त लीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। चले मामा, घर जाके बात करते हैं। वैसे आजकल के जमाने में भी अगर कोई अपने कपड़े दूसरों से इस्तरी करवाए ना, तो उससे बड़ा आलकस कोई नहीं होगा। What? दानिया और रोहान की शादी जरूर होगी, वो दोनों ही दूसरे से प्यार करते हैं, और ये बात मैंने कह दी है। और इनफैक्ट ये बात तो कोई नाबीना भी देख ले, कोई किसी गलत फहमी या खुशफहमी में ना मुब्तला रहे।